अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। जिंतूर पुलिस थाने के हद में जिंतूर पुलिस थाने के पीआई अनिरुद्ध काकड़े, एपीआई सैयद और पुलिस आए दिनेश सहयोले और पुलिस अमलदार मेटके मुरकुटे, नीलेश जाधव नीलेकर, हनुमंत अंबुरे और बालकृष्ण कांबड़े, इनके पथक ने कार्रवाई करते हुए गुप्त जानकारी मिलने पर पुलिस ने MH 37T 0357 इस क्रमांक की गाड़ी को हिरासत में लेते हुए इस छानबीन करने के बाद इसमें 12,60,000 रुपये का गुटखा पाया गया है। इस मामले में नवनाथ शाहजी डोंबे और शेख मुख्तार शेख सत्तार, इन दोनों पर जिंतूर पुलिस थाने में अपराध दाखिल किया गया है। आगे की जांच एपीआई सैयद कर रहे हैं। दो दिन पहले ही जिंतूर में एलसीबी के पथक ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2.5 लाख रुपए का गुटखा जब्त किया था। आज जिंतूर पुलिस ने 12,60,000 रुपयों का कीमत का गुटखा जब्त करते हुए इस मामले में कार्रवाई करते हुए मुद्देमाल के साथ कुल 19,60,000 रुपयों का मुद्देमाल जब्त करने की जानकारी सामने आई है। मराठा समाज को आरक्षण मिले, इस मांग को लेकर अच्युत महाराज दस्तापुरकर, इन्होंने श्री विठ्ठल रुक्मिणी इन्हें मन्नत मांगी है। इस समय उनके साथ सामाजिक कार्यकर्ता तुकाराम ढोने, भागवत शिंदे और आदि हाजिर थे। इस समय उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। रामकृष्ण हरी आज पंढरपूर मध्ये भगवान पांडुरंग परमात्म्याच्या दर्शनाला आम्ही आलो आणि आज पंढरपूर मध्ये कीर्तन सेवा ही होती। आज भगवान पांडुरंग परमात्म्याला एकच साकडं घातलंय की श्री मनोज जरांगे पाटील यांनी जे आमरण उपोषण केलेलं आहे, उद्देश एकच आहे, मराठा आरक्षण मिळावं। आणि या निमित्तानं ते जे आमरण उपोषण आहे, एक तर त्यांची प्रकृती चांगली राहावी आणि जी रास्त मागणी आहे ती मागणी त्यांची पूर्ण व्हावी अशी पांडुरंगाला आम्ही प्रार्थना करतो। धन्यवाद। सबस्क्राइब नाउ and press the bell icon. Never miss an update. लाइटिंग की दुनिया में एक नया आविष्कार, ईद, दिवाली हो या कोई त्यौहार, सोनी लाइटिंग लगाना हर बार। 3D पिक्सल लाइटिंग डेकोरेशन, पिक्सल प्रोग्रामिंग लाइट्स और एनिमेशन नाम लोगो कहीं भी सिर्फ लाइट के सहारे किसी भी इमेज को तैयार करे, दुकान मकान को चमकाए, सोनी लाइटिंग लगाए। लाइटिंग्स पर फोटो वीडियो एनिमेशन लगाए जाएंगे, आपके डिमांड्स पर मनचाही लाइटिंग्स पिक्सल लाइट डेकोरेशन तैयार की जाएगी। एड्रेस सोनी लाइट मंडप डेकोरेशन, रोशन खा महल्ला गुम्मत के पास। प्रोपराइटर अहमद खान, मोबाइल नंबर 9422878242 9766839195। परवनी तहसील के झरी गांव में मराठा आरक्षण नहीं देने के कारण सरकार के राष्ट्रीय परिवहन महामंडल यानी ST बस पर लगाए हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इनके तस्वीरों को लगाए हुए उस पर कालिक पोज कर निषेध दर्शाया गया। मराठा समाज की ओर से अब क्रोध बढ़ता जा रहा है और मराठा आरक्षण नहीं मिलने के कारण अब मराठा समुदाय में रोष का माहौल दिखते हुए पहले अभी ST महामंडल पर कई जगहों पर, जिसमें राज्य के मराठवाड़े के बीड जिले में कुछ जगहों पर ST महामंडल के बसों पर पथराव किया गया है, ऐसा भी जानकारी सूत्रों से मिल रही है। इसके अलावा परवनी तहसील के झरी गांव में आने वाले बसों पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ राव शिंदे और राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इनके तस्वीरों पर कालिक पोज कर निषेध दर्शाया गया और नारेबाजी की गई। पुरानी बीमारियों की शर्तीय इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोढ़ की बीमारी, गाठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान हो तो इलाज के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव इलाका, महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभनी, सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल की परवनी विभाग के यातायात पूरी तरह से बंद की गई है। इसके कारण यात्रियों को बड़े पैमाने पर यातायात के लिए असुविधाओं का सामना करना पड़ा है। मराठा आरक्षण के पार्श्वभूमि पर लिया गया है ये निर्णय। इस समय समूचे राज्य में मराठा आरक्षण का मुद्दा उठाया जा रहा है। इस पार्श्वभूमि के खिलाफ महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडल ने बसों के तोड़फोड़ और क्षति को रोकने के लिए महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल की परवनी डिवीजन की ओर से 7 डिपो के यातायात को रोक लगा दिया गया है। ऐसे में दोपहर से ही यात्रियों की असुविधाओं का सामना करना पड़ता नजर आ रहा है,
क्योंकि परभणी और हिंगोली महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडल के दो जिले हैं, इसलिए इन दोनों जिलों में नागरिकों को यातायात शुरू करने के लिए यहां के एसपी से निर्देश मिलने के बाद ही इसके सुविधाओं का सामना टूट सकेगा, ऐसा कहने को मिल रहा है। महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल के बताए गए निर्णयों के तहत परभणी और हिंगोली जिले के तमाम बसों को बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है अन्य जिलों में इसका रोष जताते हुए परिवहन महामंडल के बसों पर तोड़फोड़ के पथराव किए गए, जिसके कारण तोड़फोड़ का सामना करना पड़ा और यात्रियों को भी अपनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मराठा समाज को आरक्षण तुरंत दिलाए, वरना आने वाले दिनों में मराठा समाज के समुदाय की ओर से अब बांध टूटता नजर आ रहा है। अब बस एसटी बसों पर पथराव होना शुरू हुए हैं, अब आगे क्या क्या होगा यह आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इससे पहले महाराष्ट्र सरकार इसका तुरंत निर्णय लेते हुए मराठा समाज को आरक्षण प्रदान कर दे और राज्य में खुशहाली का माहौल लाए, ऐसी विनती तमाम समाज की ओर से की जा रही। सुरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास, बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास, हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ, पूरी तरह से कुदरती व खालिस प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, जेरोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू, बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे, पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए, चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभणी 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे पाटिल इनके समर्थन में समूचे राज्य में संकलाई अनशन शुरू है। परभणी में भी 27 अक्टूबर से संकलाई अनशन शुरू किया गया है। इस अनशन में समर्थन दर्शाते हुए परभणी तहसील के तमाम गांव के लोग एक एक कर एक एक दिन आ रहे हैं। यहां पर हजारों की तादाद बढ़ती जा रही है। आज 29 अक्टूबर के रोज बलसा स्थित महिलाओं ने और पुरुषों ने आकर हिस्सा लिया और आंदोलन में शामिल होते हुए सरकार की ओर से होने वाली ये देरी को लेकर नाराजगी व्यक्त की गई। आरक्षण नहीं मिलने से हताश हुए युवक आत्महत्या कर रहे हैं। लोक प्रतिनिधियों ने, विधायक और सांसद लोगों ने और नेताओं ने गांव में फिरने के बजाय मुंबई दिल्ली जाकर शासन के दरबार में बैठकर मराठा समाज के प्रश्नों को रखते हुए आरक्षण देने की बात भूमिका निभाए। सरकार कितने लोगों की अभी बलि लेगी, सरकार आप मराठों का अंत ना देखे, ऐसा रोष अपने भाषण में करते हुए नजर आ रहे हैं। दरमियान 29 अक्टूबर 2023 रविवार के रोज परभणी महानगर पालिका के प्रथम महापौर और राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीतदादा पवार गट के महानगर जिला अध्यक्ष प्रताप भैया देशमुख, उसी के साथ भाजपा के नेता विजय रावजी वरपुड़कर, समीर दुधगांवकर, अब्दुल खालिद, नासिर खान, जलील कुरैशी, विविध पक्षीय और विविध संघटनाओं के पदाधिकारी कार्यकर्ता इस समय यहाँ मौजूद थे। सर, मराठा समाजाच्या हातामध्ये सगळे सूत्र असते, तर आज एक तरी नेता, एक तरी राज्यकर्ता, एक तरी सत्तेमध्ये असणारा माणूस किंवा कुठलाही राज्यकर्ता, नेता 145 आमदार आहेत, पण कुठलाच आमदार मराठा समाजाच्या बाजूने बोलल्याचं मला तरी दिसलं नाही। याच्या उलट काही नेत्यांना सांगितलं गेलं तुम्ही काहीतरी बोला, त्यांच्या प्रतिक्रिया या मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या विरोधामध्ये आलेल्या आहेत। त्या लोकांची 4-5 नेते असतील, त्यांची नावं तळागाळातल्या लोकांपर्यंत, लहान लहान लेकरांपर्यंत त्या ठिकाणी पोहोचलेली आहेत। मराठा समाजाचा बांध कशा पद्धतीनं तुटतो आहे, मगाशी आमच्या ताईंचं, मायमावल्यांचं भाषण तुम्ही ऐकलं असेल, कशा पद्धतीनं त्यांचा बांध सुटतो आहे। जर हा बांध त्यांचा सुटत असेल, तरुण पिढीचा बांध सुटला तर काय होईल, याची कुठंतरी गरज, विचार करण्याची गरज, इथल्या राजकीय राज्यकर्त्यांनी घेरणं फार महत्वाची। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमान मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना, हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आंख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी, खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर जनपद, बलरामपुर यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभणी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता
23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभनी का पता दरगाह रोड आजम चौक से आगे तवक्कल मेडिकल के करीब परभनी महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। परभनी शहर के जीरो फाटा और एरंडेश्वर यहाँ पर सकल मराठा समाज की ओर से मनोज जरांगे पाटिल इनके अनशन और आंदोलन को समर्थन दर्शाते हुए प्रोफेसर वेंकटेश काले पाटिल इन्होंने अमर अंश जारी करते हुए उन्हें सकल मराठा समाज युवक की ओर से श्रृंखलाई अनशन शुरू किया है। इस समय रामकिशन शंकर राव काले, अनिल नाग ठाणे, सोपान राव काले, विनायक काले, अशोक रामपुते, सुधाकर काले, प्रोफेसर शिवाजी जनार्दन राव काले, किशन दिगंबर राव काले, कैलाश मधुकर राव काले, जगन्नाथ ज्ञानोबा सुभाष राव काले, प्रोफेसर डॉक्टर विलासराव काले सर, केशव रामकिशन काले, रामेश्वर मुनेश्वर प्रमोद माणिकराव काले, जगन्नाथ विलासराव काले, राव साहेब नागोराव काले, अंकुश योगेश काले, केशव काले, मुंजाजी महाराज, सोपानराव काले, सकाराम काले, अनिल नाग ठाणे, राजू दत्तराव शेटे, सातपुते अशोकराव। इसके अलावा जीरो फाटा स्थित और हिरणेश्वर गांव के ग्रामवासी इसमें शामिल रहते हुए उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। आज पक्षाच्या पुढाऱ्यावरती गावबंदी प्रवेश बंदी प्रत्येक गावामध्ये हे जनतेचा उठाव आहे, हा कुठल्या एका व्यक्तीचा उठाव नाही। हा जनतेनं पुढाऱ्यांच्या बाबतीत आतापर्यंत जे काही आतापर्यंत जे त्यांची वाट बघितली पुढारी काय करू शकतात, पण पुढाऱ्यांच्यांना हे आरक्षणाचा प्रश्न मिटणार नाही आहे हे पूर्त संबंध महाराष्ट्रातल्या मराठ्यांनी ओळखलेला आहे। आणि जनतेचा आता विश्वास उडालेला आहे आणि एकमेव एक असा एक महाराष्ट्रामध्ये जरांगे दादा सनका नेता निस्वार्थी नेता हा आज मराठा समाजाला मिळालेला आहे। म्हणून एक जरांगे दादा जे काही पावलं उचलतील त्या त्यांच्या पावलाच्या पाठीमागं त्यांच्या भूमिकेच्या पाठीमागं सकल मराठा आज सर्वसामान्यातला लहानातला लहान लेकरापासून ते अगदी वृद्धापर्यंत मराठा समाज मनोजदादांच्या पाठीमागं उभं राहिलेला आहे। मराठा समाजाच्या संदर्भामध्ये जो आरक्षणाचा प्रश्न आज पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये चालू आहे, मनोज दादा जरांगे पाटील यांनी जे आमरण उपोषण जे सुरू केलेलं आहे सरकारला एवढे 30 दिवसाच्याऐवजी 40 दिवस मनोज दादा जरांगे यांनी दिल्याच्या नंतरही सरकार या आरक्षणावरती आणखीनही तोडगा काढू शकलेलं नाही, यामुळं समाजामध्ये असणारा एक वेगळ्या प्रकारचा असणारी जी भावना जी आजपर्यंत या नेत्याला एवढं समाजानं मोठं केलं, कुठंतरी असणारी जनतेच्या पाठीमागं हे नेते राहतील अशी अपेक्षा होती। पण आजच्या या प्रश्नावरून असं लक्षात येते की 40 दिवस घेऊनही हा प्रश्न असणारा त्यांना सोडवता नाही आला। म्हणून मनोजदादा जरांगे पाटील यांनी जे असणारं आवाहन केलेलं आहे त्यांच्या सोबत असणारं खांद्याला खांदा लावून आज झिरो फाटा एरंडेश्वर या ठिकाणी आमचे आदरणीय प्राध्यापक श्री व्यंकटेशजी काळे सर हे असणारे आमरण उपोषणासाठी या ठिकाणी बसलेले आहेत। त्यांच्या सोबतच साखळी उपोषणासाठी गावकरी म्हणून आम्हीही या ठिकाणी असणारे साखळी उपोषणामध्ये बसलेलो आहोत की या सरकारला असणारी जाग यायला पाहिजे। आज लेकरा बाळांच्या असणारा भवितव्याचा प्रश्न आहे, एवढे वर्ष झाले एवढे असणारे वर्ष होऊनही मराठ्याला असणारं कुठंच असणारा न्याय हे शासन अजून देऊ शकलेलं नाही। आज एवढे पुरावे आज त्या सरकारच्या समोर समितीनं सादर केलेले आहे, जवळपास 10,000 पुढं असणारे पुरावे देऊनही मराठा समाजाला असणारं आरक्षण मिळत नाही। याच्या अगोदर जे इतर समाजाला असणारे आरक्षण दिलेले आहेत तिथं कोणत्याही कसोट्या न वापरता रातोरात असणारे आरक्षणामध्ये असणारे जाती टाकण्यामध्ये आल्या, आमचा कोणालाही विरोध नाही। परंतु मराठा समाजाला जो न्याय पाहिजे, जर या महाराष्ट्रामध्येच हा मराठा समाज राहत असेल तर या मराठा समाजालाही न्याय त्यांनी द्यायला पाहिजे। हमारे न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हमारी लिए हुई पहली न्यूज़ आप तक पहुंच सके। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।